हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे जो कि है कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। क्वेश्चन है मेरा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर का एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 और उस लाइन को 5:8 में बांटना, डिवाइड करना, मेजर द टू पार्ट्स और उसको मेजर करना। तो आइए करते हैं। पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 7.6 का एक लाइन लेंगे, उसका नाम दे देंगे ए बी। और क्या है, उसको 5:8 में बांटना है। तो क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल से कम, इसको आप ऊपर भी बना सकते थे लाइन या नीचे भी, एक लाइन खींचेंगे एक्यूट एंगल से कम, यानी कि एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री से कम बनना चाहिए, वो एक लाइन खींचेंगे। ठीक, और इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आइए करते हैं, यहाँ से यहाँ 13 है तो इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 13 इक्वल पार्ट में कर देते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हो गया 13 इक्वल पार्ट, और यहाँ से यहाँ एक लाइन पार देंगे, तो ये थी हो गया, तो मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ एक लाइन पार लिए और इसका नाम दे दिए सी मेरा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको एक ट्रेंगल वाला में हम पढ़े हैं ट्रेंगल चैप्टर में, अगर एक ट्रेंगल है और ये बेस के पैरेलल पैरेलल एक लाइन खींच दिया जाए, तो इसका इसका जितना होता है डिस्टेंस उतना इसका होता है, और इसका जितना इसका होता है उतना इसका ही होता है। तो वही करेंगे, इसको अगर हम 5:8 में बांट दें और इसके बराबर एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच दें तो ये भी 5:8 में बढ़ जाएगा। तो वही करेंगे, ये 5:8 में 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आता है 5 और इधर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, 5:8 हो गया। तो अब लेंगे एक एंगल, यहाँ से यहाँ एक एंगल पढ़ेंगे, किसी भी डिस्टेंस का ले लेंगे और एक एंगल पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ, और वही सेम डिस्टेंस का यहाँ 5:8 से जो हम बांटे 5:8 में, वहाँ से लाइन पर एक पढ़ देंगे एक आर्क। अब क्या करेंगे, यहाँ इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो नापेंगे, ये नाप लिए, थोड़ा सा और है, ये हो गया। अब इसी कल यहाँ से इसी डिस्टेंस का यहाँ से रख करके और यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, और यहाँ 5:8 में जो बांटे हैं इसको यहाँ से एक लाइन खींच देंगे इसके बीच से होते हुए। ठीक, तो ये हो गया, ये लाइन मेरा इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हो गया ये वाला। तो ये 5:8 में है, 5:8 में। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। ठीक, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में लिखेंगे AQ, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो AQ और QC AP और PB के बराबर होगा, AQ बाय QC, QC इक्वल टू होगा AP बाय PB, AP बाय पी बी। और ए क्यू मेरा कितना है, ए क्यू 5 यूनिट है और ए क्यू और सी 8 यूनिट है, ए क्यू मेरा 5 यूनिट है और क्यू और सी 8 यूनिट है, और ए पी बाय पी बी
देखिए ये 13 क्यों लिए थे, क्योंकि 5:8 में बांटना था तो ये दोनों को जोड़ के 13 ले लिए थे, और किसी और रेशियो में रहता तो उसको भी जोड़ के जितना रहता उतना लेते तो ताकि उस रेशियो में बढ़ सके। अब देखिए AP बराबर PB मेरा 5:8 आ गया, AP बराबर PB मेरा 5:8 आ गया, जो कि इसी को हमको बांटना था 5:8 में, क्वेश्चन में दिया गया 5:8 में बांटना था, तो इसी तरह हम प्रूव कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।